तो दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे हम लोग किस बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये है दोस्तों वन प्लस सिक्स, जो कि मैंने 3 दिन पहले ही अमेज़ॉन से मंगाया है, जो प्राइम सेल में मैंने ऑर्डर किया था। आज इसका करेंगे हम लोग अनबॉक्सिंग। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर से निकला है ये टिपिकल वन प्लस का बॉक्स, जो कि आप देख सकते हैं ये टिपिकल वन प्लस का बॉक्स है, जिसमें लिखा हुआ है एनग्रेव किया 6, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वन प्लस 6। ये है दोस्तों 6 GB एंड 64 GB का मॉडल, जो कि बेस मॉडल है, मिरर ब्लैक कलर में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मिरर ब्लैक 64 GB लिखा हुआ है, जिसके दो और कलर्स आते हैं स्लेट ग्रे और वाइट कलर। तो दोस्तों ये जो है ये है मिरर ब्लैक कलर। चलिए इसे ओपन किया जाए। तो दोस्तों मैंने काट दिया है इसका कवर। अब जो करना है हमें वो है वन प्लस का मैजिक, जिसे हमें कुछ नहीं करना है, वो खुद ब खुद खुलेगा। तो देखिए हमें को कुछ नहीं करना है, ये खुद ब खुद खुलेगा ग्रेविटी की मदद से। तो दोस्तों ये है हमारा मोस्ट अवेटेड फोन 2018 का, जो कि है वन प्लस 6। आइए इसे निकाला जाए ये फोन को। और ये देखिए ये फ़ोन है, देखिए ये है मिरर ब्लैक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और अभी इसे साइड पे रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। तो ये है टिपिकल वन प्लस का बॉक्स, जिसे हम खोलते हैं। बहुत ही क्लासी वे में ये इसे पुट करते हैं और इसके बाद हम खोलेंगे इस बॉक्स को, जो कि यहाँ से बंद था। और इसके साथ मिलता है दोस्तों हमें एक सिलिकॉन कवर। जैसे दोस्तों देख पा रहे होंगे ये एक सिलिकॉन कवर है, थोड़ा सा डल ब्लैक कलर का, जिसे हम फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ मिलते हैं हमें दोस्तों यूज़र मैनुअल और गाइडलाइंस वगैरह। और जिसके साथ ये मिलता है वन प्लस के स्टिकर्स, और इसे भी साइड पे रखते हैं। और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम इजेक्टर टूल, इसे बहुत संभाल के रखना है दोस्तों। चलिए इसे बाद में देखते हैं, इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बॉक्स में नीचे मिलता है हमें एक USB A Type to USB C Type डेटा केबल, जो कि है वन प्लस के रेड कलर में। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हमें मिलता है वन प्लस का बल्की डैश चार्जर, जो कि है 5 वोल्ट एंड 4 एम्पियर का, जो कि फ़ोन को 40 से 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर देती है। और इसका साइज़ बड़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चार्ज बहुत जल्दी करती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब फ़ोन को, और फ़ोन को चालू करते हैं हम, देखते हैं कैसा लगता है। तो दोस्तों ये है हमारा वन प्लस 6, जो कि है बहुत ही सुंदर, और आप देख सकते हैं इसका मिरर ब्लैक कलर, जो कि बहुत ही शाइनी है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों इसका जो नॉच डिज़ाइन है, इसके कारण से ये बहुत ही फेमस हो चुका है। और वन प्लस ने अब अपना अलर्ट साइडर शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, जो कि अब आप देख पा रहे होंगे ये है स्लाइडर, जो कि अब राइट तरफ की तो आ चुका है। और जिसके साथ ही साथ हमें इसके जस्ट नीचे मिलता है जो पावर स्विच, ये आप देख पा रहे होंगे पावर स्विच। और यहाँ पर मिलता है आपको 3.5 mm जैक, जिसके साथ आपको मिलता है माइक्रोफोन, और साथ ही साथ USB C Type का एक पोर्ट। और यहाँ पर मिलता है आप लोगों को स्पीकर। लेफ्ट साइड की ओर आपको मिलता है यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर, और इसके जस्ट ऊपर में मिलता है आपको सिम कार्ड का ट्रे। और ऊपर की ओर आपको मिलता है एक सेकेंडरी माइक, आपको वीडियो कॉल की दौरान यूज़ करने के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज़ करने के लिए, आप देख पा रहे होंगे। और इसके साथ ही साथ आपको पीछे मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक डुअल LED फ्लैश और डुअल कैमरा सेटअप, जो कि है 16 और 20 MP का। अब चालू करते हैं दोस्तों इस फ़ोन को और देखते हैं इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है। तो दोस्तों मैंने इसमें अपना फेस लॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर डाल दिया है। जो इसका फेस लॉक है वो है 0.4 सेकेंड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। आपको मैं एक सैम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैं इस फ़ोन को अनलॉक किया और अभी अपने फेस किस तरफ लाता हूँ, और ये तुरंत अनलॉक। देखिए सर कितना फास्ट है ये। और साथ ही साथ इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो तो पहले से फेमस था ही। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं फिंगर टच भी नहीं किया और ये अनलॉक हो जाता है, इतना फास्ट इसका रिस्पॉन्स है।
देखिए कितना फास्ट इसका रिस्पांस है। ये इसके साथ आपको मिलता है टिपिकल वन प्लस का लॉन्चर। तो दोस्तों इसमें डला हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 एंड्रॉयड जिसका नाम है ओरियो। ट्रेडिंग खा जाइए इस वक्त। तो दोस्तों आइए कुछ बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये है 6 GB और 64 GB रोम का, और जिसके साथ आपको मिला है ये मिरर ब्लैक कलर, और इसमें दो कलर्स और आते हैं जो है स्लेट ग्रे और सिल्क वाइट का। सिल्क वाइट शायद अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, उसका लॉन्च डेट है 29 मई और वो लिमिटेड एडिशन रहेगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और वेरियंट मिलता है 8 GB एंड 128 GB रोम। और ये दोस्तों देखते हैं इसका जो 64 GB है इसमें आपको स्पेस एग्जैक्ट मिलता कितना है। तो चलिए देखते हैं स्पेस आपको कितना मिलता है। तो दोस्तों 64 GB में आप देख पा रहे होंगे आपको 53.21 GB के अप्रॉक्स आपको स्पेस मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट जो कि है ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे बेस्ड, और इसके अंदर जो बैटरी डला है वो है 3300 mAh का जो कि थोड़ा सा कम है, बट इसका फास्ट चार्जिंग के कारण आप उस कमी को महसूस नहीं करेंगे। और दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरे की। तो इसके जो बैक कैमरे हैं उसमें डले हुए हैं 16 MP और 20 MP का कैमरा, जिसका अपर्चर है 1.7, जिसमें कि आपका OIS और EIS दोनों ही हैं, जिसको बोलते हैं आप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसके कारण से आपको कैमरे की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। और दोस्तों इसका जो फ्रंट कैम है वो है 16 MP का, जिसका फोकस अपर्चर है 2.0, जिसके कारण से आप ये सेल्फी भी आप बहुत ही अच्छे से ले सकेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मुझे, मैं बहुत ही अच्छे से सेल्फी ले सकता हूँ। बहुत ही प्यारा वाइब्रेंट कलर है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल। दोस्तों इसका कैमरा काफ़ी बेहतरीन है, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ फ़ोटो खींच के। तो देखिए दोस्तों इसका कैमरा कितना ही प्यारा वाइब्रेंट कलर है, बिल्कुल ही क्रिस्प एंड क्लियर है, हर एक चीज़ आपको डिटेलिंग में मिल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो पोर्ट्रेट मोड है उसे भी आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। जैसे कि आप, मैं दिखाता हूँ, उसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जैसे कि ये हो गया फ़ैन, और पीछे आपका बैकग्राउंड ये कैसे डेप्थ इफेक्ट देता है आप देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या प्यारा डेप्थ इफेक्ट मिलता है, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है, जो कि DSLR इफेक्ट देता है आपको। और पीछे के जितने भी चीज़ें हैं वो इसने ब्लर कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ये ऑब्जेक्ट था इसे इस फोकस पे रखा गया है। तो दोस्तों इसका जो फ्रंट कैम है उससे आप 1080p तक का रिजोल्यूशन ले सकते हैं, और इसका जो रियर कैम है उससे भी दोस्तों आप 4K और 4K 60fps तक का आप वीडियो ले सकते हैं, जो कि बहुत ही हाई है एक स्मार्टफोन के लिए, जो कि बहुत ही हमें अमेज करने वाला है। अब इसे 4K की जगह 4K 60fps की वीडियो भी ले सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जो इसके कैमरे की बात है वो है इसका जो EIS, जो कि आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि OnePlus 5 में नहीं था और इस फ़ोन में आ चुका है, जो कि आपको बहुत ही प्यारा स्टेबलाइज आपको इमेज देगा और आप बिल्कुल ही खुश रहेंगे इस कैमरे से। इसके थोड़े से आउटडोर शॉट्स में आपको इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका जो स्क्रीन है वो है आपका 6.28 इंचेस का, जो कि आपको एक्सपेक्ट रेशियो देता है 19:9 का, जो कि बहुत ही प्यारा है, जिसमें लगा हुआ है ऑप्टिकल एमोलेड गोरिल्ला 5, और पीछे भी साथ ही साथ आपको मिलता है इसमें गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और बिल्कुल ही चमकदार है और बहुत ही सुंदर प्रीमियम लुक देता है बिल्कुल ही फ़ोन को। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी मिली है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, अनबॉक्सिंग ऑफ OnePlus 6। तो टिल देन बाय गाइस एंड स्टे ट्यून विथ मज्जू मोटो मॉड्स।